नमस्कार, हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव जी जो बनारस से हमारे पास आए हैं। रहने वाले बनारस के हैं लेकिन काम आजकल पुणे में करते हैं, तो अभी बेसिकली पुणे से आए। इनकी उम्र 32 साल है लेकिन जब ये 12 साल के थे तो इनके राइट हिप में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो बताएंगे अभी, जिसके लिए इनका ऑपरेशन भी किया गया और उसके बाद से इनके राइट हिप में पेन है, पैर छोटा भी है, थोड़ा सा वीकनेस भी है पैर में और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आज हम इनका हिप रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप कुछ याद है? सर, याद तो ऐसे खेल कूद में या कैसे भी तो लगा था, ऐसा जैसा कुछ गिरे नहीं थे, ऐसा सुई जैसा या कुछ तो चुभ रहा था। तो उसके बाद हम दवा डॉक्टर के पास गए तो बोल रहे हड्डी अपना थोड़ा खिसक गई है। खिसक गई, तो क्या वो फिर 1.5 महीने अपना इधर लगा के वेट करके ट्रैक्शन लगाया। हाँ, 1.5 महीने तक बेड पे सुलाए रहे, ठीक है, थोड़ा सा टेपर में ऐसा। हाँ। तो उसके बाद फिर वहाँ से निकाला, जब भी वहाँ से डिस्चार्ज किया तो अपना वो एक बूट रहता है उसमें राड लगा रहता है। हाँ, हाँ। तो लगा के उसमें भी 1.5 महीना किया तो उससे भी धीरे 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 वो ऊपर चढ़ता गया और वो मतलब सूजन आ गया पूरा। अच्छा, यहाँ भी सूजन आ गया, यहाँ भी सूजन आ गया, तो यहाँ भी पानी हो गया था। तो उसके बाद फिर वहाँ से फिर अभी दूसरा डॉक्टर के पास ऑपरेशन करने के लिए गए। अच्छा, उस टाइम में बोले वो मवाद हो गया, यहाँ पे मवाद हो गया और यहाँ पे पानी हो गया। तो ऑपरेशन करके जो मवाद भी होता है वो साफ किए, ठीक है, और उसके बाद पानी भी निकाले गए। यहाँ से रात वो रात लगा के फिर तो अभी 3 महीने वेट करके ऐसा मतलब सुलाए थे। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद धीरे 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 वाकर के साथ चलना चालू किया। तो कितने दिन में आप मतलब कितना, 1 साल चला लगभग ये सारा? हाँ, 1 साल चला। तो जैसे ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको कुछ परेशानी लगी इस पैर में? पैर में परेशानी लगी थी वही, मतलब चलने फिरने में प्रॉब्लम होता था, मूवमेंट करके नहीं चल पाते थे। उसके बाद जब सही हो गया तो चल बैठता था, कुछ दिन के बाद फिर प्रॉब्लम होना चालू हुआ। तो डॉक्टर साहब बोले कि पूरा सही से बैठ, मतलब लोड दे के नहीं बैठना है, बैठते टाइम थोड़ा एक पैर आगे थोड़ा करने का और ऐसे बैठने के लिए बोले थे। तो मैं वैसे ही करता था, जब भी प्रॉब्लम होता था तो इंजेक्शन या सुई 1.5 महीने का ले मतलब वो करते थे दवा। 1.5 महीना करने के बाद फिर 5-6 महीने आराम रहता था। फिर जब भी प्रॉब्लम होता था तो उनके पास जाते, फिर 1.5 महीने फिर दवा चलता था। उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते पूरा टेस्ट। तो कितने दिन तक इंजेक्शन लगते थे? इंजेक्शन लग सब हफ्ते में एक लगते थे और 6 लगते थे, वो कोर्स हो जाता था। उसके बाद फिर 5-6 महीने के बाद आराम हो जाता था। मतलब ये कब तक चलता रहा? अभी एक साल से बंद है बस। एक साल अब उसमें कोई पेन नहीं होता, कोई सूजन नहीं आती, अब कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं, वो मूवमेंट करने में पेन रहता है, मतलब वो वाली पुरानी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अब लंगड़ा रहे हो एक तो। नहीं, जैसे रूटीन काम करते हो तो खुले में कितनी तकलीफ है आपको, मैं ये पूछना चाहता हूँ। खुले में तकलीफ है जब ज्यादा मूवमेंट या तो मतलब कम ज्यादा, जैसे ऊंचा खड़ा हो गया ऐसा। हाँ। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ऊंचाई पे चढ़ना, सीढ़ी पे चढ़ना। हाँ। तो उसमें दिक्कत आती है। हाँ। अगर आप चलना चाहो एक बार में कितना चल पाते? चलना तो डॉक्टर साहब पूरा मूवमेंट करके नहीं चलूंगा तो कितना भी चल सकता हूँ। पूरा मूवमेंट मतलब एक पैर पूरा मूवमेंट करके ऐसा? अच्छा, अगर छोटे छोटे कदम करके? हाँ, तो चल जाएंगे। जैसे ट्रेन में चढ़ना है, सीढ़ी में चढ़ना है, टॉयलेट में बैठना है, इसमें दिक्कत है? हाँ, टॉयलेट में दिक्कत। इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठ पाते? पूरे अच्छे से नहीं बैठ पाते, आगे पैर को आगे करना। 12 साल की उम्र के आसपास जो बच्चों में दिक्कत होती है उसको कहते हैं स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस, SCFE एक डिजीज होती है। जब बच्चों की हाइट बढ़नी शुरू होती है तो उस टाइम पे जो फीमर का अपर एंड का एपिफिसिस होता है स्लिप हो जाता है। तो यादव जी को यही प्रॉब्लम हुई थी, उसका ट्रीटमेंट भी किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो उससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई और आज हम इस सिचुएशन में हैं कि पैर की लंबाई छोटी है, लंगड़ा के चल रहे हैं और कुछ रूटीन एक्टिविटीज़ में इनको दिक्कत आ रही है। MIS टेक्निक से नॉन सीमेंटेड सिरेमिक हिप रिप्लेसमेंट आज कर रहे हैं। इनका परिवार भी साथ में है। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? सर, जैसे मतलब इनका अगर होगा जो ऑपरेशन होगा, हाँ जी, तो मतलब वो सही रहेगा या जैसे बीच में कभी जैसे कोई प्रॉब्लम आई, जैसे जैसे
अभी यहाँ से ऑपरेशन हम लोग करा के चले गए। हाँ जी, दो चार साल फिर हमको मतलब जैसे इनको ज्यादा तकलीफ होने लगे। नहीं, क्यों होने लगे, कैसी तकलीफ, मतलब कैसी, जैसे इनको ये दर्द वर्द हो तो जैसे अभी तो ऑपरेशन करा दिए हम लोग। हाँ जी, अब सही है, फिट एकदम चल रहे हैं, स्वस्थ रहे हैं जी, जी। अच्छा, इनका मूवमेंट सब सही है जी। फिर कोई बीच में जैसे बताया कि वहाँ से दवा कर रहे थे तो 5-6 महीने बाद फिर वही हो जाता था। बिल्कुल, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आएगा बाद में ना, पेन उनका या इनके चलने में फिर मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। देखो ऐसा है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, हम बीमारी को जड़ से मिटा रहे हैं। उसमें क्या था कि दवाई देते थे पेन चला जाता था, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं है। जो कूला खराब है वो वहीं रहता था, फिर दर्द हो जाता था उसमें। अब हम उस कूले को ही चेंज कर रहे हैं, जो पेन का सोर्स है उसको ही खत्म कर रहे हैं, तो ये दिक्कत आएगी नहीं बार बार। हाँ जी, पूछो पूछो, आपके मन में भी कोई बात होगी, इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई डर तो लग रहा होगा। ये तो मेरी लाइफ है सर। डर नहीं लग रहा? डर तो है सर। क्या डर है बताओ? अब वो आपकी आशीर्वाद से मतलब अच्छे हो जाए बस। बिल्कुल अच्छे हो जो इनके काम है सर, काम में हमेशा कर सकते हैं कि नहीं। कैसा काम? हमेशा अपना काम बैठने का है, उठने का है, मतलब और ऊपर भी चढ़ के करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हाइट पे भी चढ़ के करना पड़ता है। बिल्कुल कर सकते हैं सारा काम। सिर्फ वजन मैंने बताया था, वजन ज्यादा नहीं उठाना है, वजन उठा के चलना नहीं है, मतलब करने को कर सकते हैं काम अपना कर सकते हैं। लेकिन अगर वजन का ज्यादा काम करेंगे तो जो इम्प्लांट की लाइफ है कम हो जाती है, जल्दी घिस जाता है। वैसे अगर नॉर्मल चलना चाहें, सीढ़ी चढ़ना चाहें, 10 किलोमीटर भी एक साथ चल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेट उठाने से जो वेयर एंड टेयर है, आप भी समझदार हैं, किसी चीज के ऊपर ज्यादा लोड डालेंगे तो जल्दी घिस जाएगा, वही एक रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज आप जमीन पे बैठना चाहें, चौकड़ी लगाना चाहें, इंडियन टॉयलेट में बैठना चाहें, कितना भी काम कर, झुक के भी सारा काम कर सकते हैं। फुल वेट मतलब सब चीज कर सकते हैं, बस वजन वाला नहीं, वजन वाला ना करें, करने को कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि ये इम्प्लांट लंबा चले, ज्यादा समय तक, ज्यादा समय तक। कितना टाइम लगेगा पूरा, मतलब ऑपरेशन में? नहीं नहीं, पूरा परफेक्ट। देखो लंबाई अभी छोटी, लंबाई को पूरा करेंगे तो नसों में थोड़ा स्ट्रेच होगा, तो जब नसें स्ट्रेच होती हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है उनको लंबाई वापस लेने में, तो इसमें थोड़ा शुरू शुरू में खिंचाव भी लगेगा, तो लगभग आप समझो 1.5 से 2 महीना लगता है। अच्छा, पूरी लेंथ मसल्स की आने में, उनकी लेंथ पहले दिन आती है, लेकिन मसल्स को स्ट्रेच होने में लगभग 1.5 से 2 महीना लगता है, उसके बाद सब काम करें। मतलब सर जैसे प्रॉपर 2-2.5 महीने तक या 3 महीने तक काम ना करें? बिल्कुल नहीं नहीं, काम नॉर्मल काम तो 15 दिन के बाद भी कर सकते हैं, 15 दिन बाद भी जैसे, और अपना वो सब अदर काम। हम फुल एक्टिविटी की अगर बात करें तो 2-2.5 महीने लग जाते हैं, 3 महीने मैक्सिमम, 3 महीने मान लो, अच्छे के लिए 3 महीने मान लो। हाँ, और पूछो जी कोई भी बात हो आपके मन में, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछ रहे हो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं उनके मन में भी सवाल है, तो अगर आप सवाल पूछोगे तो उनको भी जवाब मिल जाएगा, इस तरह से पूछते हैं। इसलिए अभी बताया सर कि जैसे उनका पहले वहाँ पे पक गया था पूरा, मतलब हो गया पानी हो गया था, तो ऐसा कुछ तो नहीं है उसमें कुछ दोबारा है कुछ? देखो 20 साल हो चुके हैं, 20 साल से दोबारा पस नहीं आई है, ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि दोबारा होने के चांसेस नहीं है। लेकिन वो तो जो भी हुआ, मैं अब की बात कर रहा हूँ कि दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये एक रूल है कि हड्डी में जब एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो जिंदगी में दोबारा कभी भी हो सकता है, तो इसको हम गारंटी नहीं कर सकते कि नहीं होगा, पर जब 20 साल से पस नहीं आई है तो अब चांसेस बहुत कम। ठीक है, और कुछ? तो हम जिस तरह से, जिस इंटेंट से, जिस विश्वास से आप लोग आए हैं, उससे हमें जो है ना मेहनत करने की हिम्मत मिलती है कि हाँ पेशेंट इतने यकीन से आया तो हमें पेशेंट के लिए बेस्ट करना, तो इसी वजह से रिजल्ट अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल चीज है, लेकिन जब आप इतनी दूर से लोग आते हैं तो हमें भी लगता है कि पूरी जान लगाएं पेशेंट के लिए, पेशेंट को कोई कमी ना रह जाए, तो हमारी टीम को एफर्ट करती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और आप जो उम्मीद लेके आए हैं वो पूरी करके और खुश होके जाएंगे। थैंक यू। तो राइट लिम्ब की शॉर्टनिंग भी है, पेल्विक टिल्ट भी है, पूरा लिम्ब कर रहे हैं। जब पेशेंट ऐसे चलता रहता है तो कुछ टाइम के बाद इनको बैक एक भी हो जाता है। तो वीरेंद्र के एग्जामिनेशन का फर्स्ट स्टेप है लेग लेंथ।
राइट लेग में इनको प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं कि 2 इंच का डिफरेंस है दोनों लेग्स में, क्योंकि ये ग्रोइंग एज में प्रॉब्लम हुई थी, तो नेचुरली पेशेंट थी जो इस लेग की लेंथ है वो पूरी तरह ग्रो नहीं कर पाई। हम मूवमेंट्स देखते हैं, पहले नॉर्मल साइड लेफ्ट साइड की मूवमेंट, घुटना मोड़, अच्छा फ्लेक्शन है, अच्छी मूवमेंट। अब राइट साइड फ्लेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन रोटेशंस लिमिटेड हैं। जैसे ही मैं रोटेशंस अटेम्प्ट करता हूँ तो पेशेंट का जो पूरा बॉडी है वो मूव करती है, दैट मीन्स कि स्टिफनेस है। अगर अबडक्शन की बात करें तो पैर की मूवमेंट बाहर काफ़ी अच्छी है, मसल वेस्टिंग आप देख सकते हैं डिफरेंस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो हमारा जो सर्जरी का पर्पस है, इनको फ्री मूवमेंट देना है, लेग लेंथ को इक्वल करना है, और जब ये इस पैर को यूज़ करेंगे तो कुछ वक्त के बाद जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी इक्वल हो जाएगी। ये वीरेंद्र का सर्जरी से पहले का एक्सरे है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉल है राइट साइड की पूरी डैमेज्ड है, और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बोन भी बन गई है जिसको हम ऑस्टिफाइड कहते हैं। दूसरी चीज़ है कि ट्रोकेंटर और पेल्विस में गैप बहुत कम है, अगर कंपेयर करें लेफ्ट साइड से तो ट्रोकेंटर और पेल्विस में काफ़ी गैप होना चाहिए मूवमेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल, क्योंकि बॉल अंदर की तरफ चली गई है और श्रिंक कर गई है, तो इसीलिए पेशेंट की मूवमेंट्स भी कम हो गई हैं, रोटेशन रिड्यूस हो गई हैं और लेग लेंथ 2 इंच कम हो गई है। तो सर्जरी के बाद का एक्सरे, इसमें नॉन सीमेंटेड कप हमने लगाया है, इसमें क्योंकि वीरेंद्र की बोन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्क्रू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारा जो रीमिंग है बिल्कुल इस बोन प्लेट तक जाती है, आगे अंदर ब्रीच नहीं करते हैं इस प्लेट को, और जो पेल्विस और ट्रोकेंटर के बीच का गैप कम हो गया था वो हमने इंक्रीज़ किया है, जितनी ऑस्टिफाइड ऊपर और नीचे बनी थी वो सारी क्लियर की गई है, ताकि पेशेंट का ही पूरी मूवमेंट्स अटेंड कर सके। और यही वजह है कि आज 3 महीने बाद जब आए हैं हमारे पास तो अब ये ज़मीन पर बैठ पा रहे हैं और बहुत जल्दी चौकड़ी लगाना शुरू कर देंगे। तो वीरेंद्र का आप 3 महीने के बाद एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है, पहले 2 इंच ये लेग शॉर्ट थी इनकी जिसकी हमने सर्जरी की थी। और अगर मूवमेंट्स की बात करें तो फ्लेक्शन इनका पहले भी अच्छा था, पर रोटेशंस में प्रॉब्लम थी पहले, अब रोटेशन बिल्कुल फ्री हो गई है, पहले से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स की जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गई है, और अब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल में इनकी जो थाई की थिकनेस है वो बराबर आ जाएगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल फ्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज 3 महीने के बाद जैसे हमने बताया कि ज़मीन पर बैठना शुरू करते हैं, तो आज वीरेंद्र पहली बार हमारे सामने ज़मीन पर बैठेंगे। तो पहली बार बैठ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंट को अप्रिहेंशन होता है जब पहली बार बैठते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से उनकी हील्स भी टिकी हुई है। चलिए खड़े हो जाइए, अब इसको बिना पकड़े बैठिए, पहली बार कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, आइए वापस आइए। तो ये शुरुआत है अब वीरेंद्र की ज़मीन पे बैठने की, और डेली प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे चौकड़ी लगाना भी शुरू कर लेंगे। तो 3 महीने के बाद जो हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट होते हैं उनकी पहली विजिट होती है हमारे साथ, तो वीरेंद्र कितना डिफरेंस है सर्जरी से पहले में और बाद में? अब जैसे कितना चल पाते हो, एक बार में चलना चाहते हैं? एक बार में चलना था, पूरा दिन चल सकता हूँ, वैसे एक टाइम सुबह और शाम करके चलता था, कम से कम 4-5 KG सुबह, 4-5 KG शाम, 9-10 KG मिला के 8-9 KG, 8-9 किलोमीटर दिन में चल लेते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि 8-9 किलोमीटर चलने के बाद आपको दर्द शुरू हो जाता है? दर्द नहीं होता है सर, कोई लंगड़ावट जैसे पहले होती थी?
नहीं उतना कुछ नहीं, हल्का सा खाली इधर अकड़न सा होता है कमर, कमर इधर है तो क्योंकि 20 साल से प्रॉब्लम, 20 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी तो बॉडी ने एक छोटे पैर के साथ एडजस्ट कर लिया था, अब पैर की लंबाई बराबर हुई है तो स्पाइन और स्पाइन की जो मसल्स होती हैं वो रीएडजस्ट कर रही हैं एक नॉर्मल लेंथ के साथ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले साल में थोड़ा सा परेशान करती हैं, लेकिन ग्रेजुअली पेल्विस से बैलेंस हो जाता है तो ये सब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है।